दोस्तों नमस्कार। पथिक लॉकडाउन वीडियो सीरीज फेज टू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है समीर सुरवे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल, वो कौन सा स्किल है जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रादर मैं कहूँगा ऐसा कौन सा स्किल है जो हर एक को सीखना ही चाहिए और हर एक के लाइफ में प्रोफेशनल या पर्सनल बहुत 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 ज़रूरी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि इससे आगे जब भी कोई भी एपिसोड ब्रॉडकास्ट होगा या वीडियो टेलीकास्ट होगा आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियोस मिस किए होंगे तो टॉप लेफ्ट कार्ड पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, आप पहले के सारे एपिसोड्स भी देख पाएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बिकॉज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ये पूरे वीडियो सीरीज बनाने का इंटेंशन यही है कि जो नॉलेज हमारे पास है वो आप तक पहुँचे और ये कोविड क्राइसिस में वी कैन फेस लाइफ बेटर और आने वाली चैलेंजेस को हम ठीक तरीके से फेस कर सकें एंड वी इमर्ज स्ट्रॉन्गर। सो दोस्तों चलिए हम जाते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। वो है वो कौन सा ऐसा स्किल है जो हम सब ने सीखना चाहिए ताकि वी कैन लिव एन इफेक्टिव लाइफ। तो मैं आपको सबसे पहले कहानी या ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये पिक्चर शायद आपने कहीं ना कहीं देखी होगी बट इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई इट, यदि आप पहचान पाओगे तो ये पिक्चर है सिस्टीन चैपल्स के छत की, मतलब सीलिंग्स की, जो दुनिया भर में फेमस है। और ये पेंटिंग्स की गई थी माइकल एंजेलो, ये फेमस पेंटर ने, और वो देखने के लिए लोग लाखों की थाउजेंड्स ऑफ people go to Rome और वहाँ पे they want to see the ceiling, these ceilings painted by Michelangelo. दूसरी स्टोरी है Apple की। Now Apple से पहले मोबाइल फ़ोन था, फ़ोन सिर्फ बात करने का एक ज़रिया था, मगर अब हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन could be a replacement to your laptop और tablet। हम सब वो काम कर सकते हैं जो एक डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कर सकते हैं, हम आज मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। शायद आप ये वीडियो भी एक मोबाइल फ़ोन पे ही आज देख रहे हो। और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज सॉफ्टवेयर एनेबल्ड फ़ोन जब एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए और सबसे इम्पॉर्टेंट टच फ़ोन जब एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए। अब टच फ़ोन इससे पहले भी आए हुए थे, नोकिया IBM उन्होंने टच फ़ोन ट्राई किए हुए थे बट एप्पल कुड मेक इट सक्सेसफुल। उसके बाद तीसरी स्टोरी है दोस्तों, वो है जिलेट मार्क 3 शेविंग ब्लेड की। हम सब लोग ऑर्डिनरी ब्लेड्स इस्तेमाल करते थे, एक जिलेट के ट्विन ब्लेड सिस्टम थी जो 6-7-8 रुपए में, 10 रुपए में, 12 रुपए में मिला करता था। जब मार्क 3 ब्लेड मार्केट में आया वो 200 रुपए के करीब बिकने लगा और हम सब ने उसको खरीदा और सराहा भी। तो ये एक तीसरी सक्सेस स्टोरी है। तो इन स्टोरीज के जरिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पोप जूलियस 2, स्टीव जॉब्स और कॉर्नल मॉकलर, इन तीनों में वो कौन सा स्किल था जिसके वजह से ये तीन स्टोरीज सक्सेसफुल हुई और वही स्किल मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप गेस कर सकते हैं? यदि नहीं तो मैं आपको आगे का सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों आपने अपने लाइफ में कई टैलेंटेड लोगों को देखा होगा जो बहुत सारे, जिनमें बहुत सारे अच्छे सिंगर्स थे, देवर डॉक्टर, देर आर इंजीनियर्स, देर आर वर्किंग क्लास पीपल, देर आर बिजनेसमैन, उनमें टैलेंट खूब भरा होता है बट फिर भी लाइफ में वो बहुत कुछ नहीं पा सकते, दे डोंट बिकम सक्सेसफुल एंड दैट्स अ ट्रेजेडी बट ऐसा होता है। कॉन्वर्सली आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा अपनी लाइफ में जो एवरेजली टैलेंटेड है, जो खास अच्छा गाना नहीं गा सकते, जो एक्टिंग नहीं कर सकते, जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते बट फिर भी लाइफ में कमर्शियली वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, दे हैव गॉट रिकग्निशन और दुनिया ने उनके काम को सराहा है। इन दो कैटेगरीज में फासला भी वही एक स्किल का है। जो लोग टैलेंटेड होते हैं मगर उनमें वो स्किल नहीं होता जिसकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जो कम टैलेंटेड होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो स्किल होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आखिर ये स्किल कौन सा है दोस्तों? आपने यदि अभी भी उसको गेस नहीं किया तो मैं और क्लूज देना चाहता हूँ। माइकल एंजेलो, जिन्होंने सिस्टीन चैपल्स के छत पर पेंटिंग करी, दोस्तों माइकल एंजेलो वो करना नहीं चाहते थे बिकॉज माइकल एंजेलो खुद को देखते थे कि वो एक स्कल्प्टर है, वो स्टैचूज बनाना चाहते थे एंड ही उनको लगता था कि मैं अच्छा पेंटर नहीं हूँ। पोप जूलियस 2 वो पादरी थे, वो प्रीस्ट थे जिन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप ये कर सकते हो और आपने ये करना चाहिए, और बिकॉज ऑफ विच वो बेहतरीन पेंटिंग्स वहाँ बनी। नोकिया और IBM टच फोन्स में फेल हो चुके थे बिकॉज टच फोन्स एक शीशे से बनाए जाते थे, कांच से बनाए जाते थे और वो कांच ईजिली टूट जाता था, पर
स्टीव जॉब्स वो थे जिन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन कांच बनाने वाली एक कंपनी कॉर्निंग्स, उनके सीईओ को ये समझाया, उनको कन्विंस किया कि आपने गुरिल्ला ग्लास बनानी चाहिए जो हम फोन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी वजह से हम आज टच फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलेट की कहानी मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, जिलेट कंपनी बहुत सारे लॉसेस में थी और जिलेट कंपनी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था कि इस कंपनी को बेच देते बिकॉज कंपनी को काफ़ी घाटा हो रहा था, और उसी समय जिलेट मार्क 3 के रिसर्च के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे थे, और उस टाइम पे वो खरीदने वाली कंपनी रेवलॉन कंपनी थी जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली कंपनी थी। यदि रेवलॉन जिलेट को खरीदती तो वो रिसर्च प्रोडक्ट तुरंत रुकवा देती बिकॉज उनको लॉसेस कम करवाने होते, और शेविंग ब्लेड का और रेवलॉन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐसा कोई खास संबंध तो था नहीं। बट उस समय के जो जिलेट के मैनेजिंग डायरेक्टर कॉलमन मॉकलर, उन्होंने सारे शेयर होल्डर्स को कन्विंस किया कि इस कंपनी को मत बेचो, इस रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे रखो, अगर हमने ये ब्लेड मार्केट में लाया तो ये ब्लेड इतने पैसे कमा के देगा कि आपके सारे लॉसेस भर के देगा और आपको और बहुत सारे पैसे कमा के देगा, और वैसा ही हुआ। तो पोप जॉन टू, उनके पास वो स्किल था, स्टीव जॉब्स के पास वो स्किल था, और कॉलमन मॉकलर के पास वो स्किल था। अब तक आपने गेस कर लिया होगा किस स्किल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस स्किल का नाम है सेलिंग स्किल, किसी और को कुछ बेचने का स्किल। अब ये सेलिंग स्किल इतनी अजीब चीज़ है कि मेरे करियर में देखा है बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं है। लोगों को लगता है ये बड़ा चीप स्किल है, मतलब किसी और को आप उसकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश करो, सो इट्स नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई जॉब नहीं मिला तो सेल्समैन का जॉब ले लो, और एक बार सेल्समैन का कर भी लो तो जैसे ही कुछ और मिल जाए उसको छोड़ दो। मेनी सिंगर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, उनको लगता है कि आर्टिस्ट लोगों को सेलिंग नहीं करना चाहिए, इट इज़ बिलो देयर डिग्निटी, इट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। बट दोस्तों अगर आप हमें पूछे, मुझे पूछे, तो मैं तो कहूँगा ये एक प्राइमरी स्किल है, प्राइमरी सर्वाइविंग स्किल है आपके लाइफ में। अगर आपको एक खुशहाल जिंदगी जीनी है, अगर आपको एक सक्सेसफुल जिंदगी जीनी है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सेलिंग और इन्वेस्टिंग, ये ऐसे दो स्किल्स हैं जो हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को सिखाने चाहिए, राइट इन स्कूल, हर एक ने सीखना चाहिए, दैट्स वॉट वी फील। और हमारा सेलिंग का डेफिनेशन भी थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल सेलिंग के डेफिनेशन में कहा जाता है कि आप यदि प्रोडक्ट किसी को दो और उससे पैसे लो तो उसको बोलते हैं सेलिंग, या फिर आप अपनी कोई आइडिया किसी को कन्विंस करो तो उसको बोलते हैं सेलिंग। हमारा डेफिनेशन ये है कि आप जब अपनी बात किसी और के जहन तक पहुंचा सकते हो, किसी और के हार्ट तक पहुंचा सकते हो, तो उसको कहते हैं सेलिंग। नॉर्मल सेलिंग प्रोसेस में ऐसे होता है कि यदि किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तो आप कस्टमर को थैंक यू बोलते हो, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर बिजनेस। हम कहते हैं कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी को बेचो तो उनसे पैसे लो, पर आपका प्रोडक्ट इतना बेहतर होना चाहिए कि ना कि आप कस्टमर को थैंक यू बोलो, कस्टमर ने आपको थैंक यू बोलना चाहिए फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट, बिकॉज आपने उसका काफ़ी फायदा कराया वो प्रोडक्ट उसको इंट्रोड्यूस करके। दैट इज व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ सेलिंग। और यदि आप ऐसे सेलिंग करोगे तो सोचो लाइफ में कितने मजे हैं, आप प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, आप उसके पैसे भी ले रहे हो, ऊपर से कस्टमर आपको थैंक यू बोल रहा है, सो और क्या चाहिए लाइफ में? क्या ये मुमकिन है दोस्तों? ये बिल्कुल मुमकिन है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। गए साल हमारा एक कोर्स था पथिक कनेक्ट, हालांकि ये कोर्स क्लासरूम सेटिंग में होना था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड हमको ये ऑनलाइन करना पड़ा। बट ऑनलाइन करने के बावजूद भी देखिए क्या रिजल्ट्स मेरे एक स्टूडेंट ने लाया, इनका नाम है उदय, वो एक कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी काफ़ी सीनियर पोजिशन पर काम करते हैं, ही हैड्स अ डिविजन, और वो कहते हैं कि इस कोर्स में सारी चीज़ें सीखने के बाद मैं और नए नए चैलेंजेस के लिए तैयार हुआ। और जबकि नवंबर महीने में, दैट इज़ लास्ट नवंबर 2020, जब कोविड का पीक था, हमारा मंथली SIP सेल्स 350, वो 10 दिन में हम 3500 तक लेके गए, एंड हमारा विंसिस बहुत बेहतर चल रहा है। उन्होंने कैसे किया वो उनके ही जुबानी सुनते हैं। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू, एंड टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट मोर देन 3000 SIPs। दोस्तों मुझे लगान फिल्म का वो डायलॉग हमेशा याद है कि अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो वो पूरे कहाँ से होंगे। दोस्तों टिल यस्टरडे किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि हम 3000 SIP भी कर सकते हैं। एक RM जो पूरे महीने में 5 SIP के लिए स्ट्रगल करता है, एक ब्रांच जो 50 SIP के लिए स्ट्रगल करती है, और एक जोन जो 500 SIP का ड्रीम रखता है। क्या कोई सोच सकता था कि वो एक हफ्ते में
मोर देन 3000 SIP करेगा एंड टुडे यू हैव मेड हिस्ट्री, वी हैव डन मोर देन 3000 SIP। टीम हमेशा याद रखिए, अगर आपके सामने कोई भी कितने बड़े से बड़ा चैलेंज अगर खड़ा है, अगर आपका दिमाग और आपका दिल एक बार ये चीज़ ठान ले कि येस आई एम डूइंग इट, येस आई कैन डू इट, देन यू आर गोइंग टू डू इट। टीम आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू, हर एक कॉल जो आपने SIP लाने के लिए किया है, हर एक एफर्ट जो आपने ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए किया है, हर एक ब्रांड मैनेजर जिसने अपनी टीम को मोटिवेटेड रखा और ये टारगेट कंप्लीट किया, हर एक टीम लीडर जिसने पूरी मेहनत की और ये इंश्योर किया कि हमारा जोन मोर देन 3000 SIP करे, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू एंड आई रियली मीन इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। दोस्तों, आज का दिन हमारे लाइफ में एक सबसे बड़ा सबक बन के रहेगा कि येस वी कैन डू इट, अगर हमने सोचा तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, उदय ने ये सेलिंग करके ना के अपनी खुद की जिंदगी सवारी, अपने टीम की जिंदगी सवारी, अपने कस्टमर्स की जिंदगी सवारी। तो ये एक ऐसा स्किल है जो हम सब ने सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सीखे तो कैसे सीखे, अब इस 10-15 मिनट के वीडियो में तो ये सिखाना बहुत मुश्किल है, बट मैं बहुत सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल स्टेप्स आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सबसे पहली स्टेप है दोस्तों कि आप जो भी आइडिया या जो भी प्रोडक्ट किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रोडक्ट पे आपका 101% यकीन होना बहुत बहुत जरूरी है। यू शुड बी स्ट्रांगली कन्विंस्ड अबाउट द प्रोडक्ट और द आइडिया विच यू आर ट्राइंग टू सेल टू योर कस्टमर्स। नंबर टू, आपने जो आपका प्रोस्पेक्ट है जिसको आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो, और ये कोई भी हो सकता है, जब एक टीनेजर अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसका मनचाह करियर उसने क्यों चुनना चाहिए, ही इज़ ऑल्सो सेलिंग, ओके। तो ऐसे टाइम पे जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपके माता पिता हो, आपका दोस्त हो, आपका ग्राहक हो, उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू लिसन टू देम। ये जब आप ऐसे करोगे तो आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हो। ये हुई सेकेंड स्टेप। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो सेलिंग का हार्ट है, वो है ना कि आपका प्रोडक्ट समझाना, बट सही सवाल पूछना। सेलिंग इज द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट एंड गुड क्वेश्चंस। आपने ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे कि आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स सामने वाले के मुंह से खुद बाहर आए। दैट मीन्स योर प्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ शुड वॉइस आउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, एंड दिस इज द हार्ट ऑफ सेलिंग। ये ऐसी बातें सुन के तो सीख नहीं सकते हो, बट आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप कोई अच्छे सेलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, पर आपने लाइफ में सेलिंग सीखना चाहिए। और यदि ऐसा करोगे तो फायदे क्या होंगे दोस्तों, दो बड़े फायदे हो सकते हैं। नंबर वन, आपके जुबान द वैल्यू ऑफ योर वर्ड विल इंक्रीज, ओके। आप इंग्लिश में उसको वन वर्ड में बोलते हैं, यू विल गेट क्रेडिबिलिटी। आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा आपके लाइफ में कि आप कोई फ्रेंड को एक कोई सलाह देते हो तो वो सुनता नहीं है, बट कोई और अगर वही सलाह दे तो वो सुन लेता है, और आपको गुस्सा भी आता होगा कि यार मैंने कहा उसने नहीं सुना, उन्होंने कहा आपने सुन लिया, बिकॉज आपके वर्ड में इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी जितनी उनके वर्ड में थी, और उनके वर्ड में क्रेडिबिलिटी आई बिकॉज ही हैज एडेड पास्ट वैल्यू इन हिज लाइफ। एंड जब आप ऐसे करोगे तो आपके वर्ड को क्रेडिबिलिटी आएगी और लाइफ बहुत आसान होगा एंड इट विल बी फन टू लिव लाइफ। जब हम कोई बात बोलते हैं, जब लोग हमारी बात को ज़्यादा महत्व देते हैं दूसरों की बातों से, तो डेफिनेटली किसी को भी अच्छा लगेगा। इससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं, जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन सकती है तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप बनोगे एक ब्रांड। और जब ब्रांड होता है तो क्या होता है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, मगर अगर ये ब्रांडेड चीज़ है तो आप इसी चीज़ को 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार हो सकते हो। और आपको पता है ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, एक ही फैक्ट्री में बनती है, बट जब इस चीज़ पे कोई बड़े कंपनी का नाम लग जाता है तो वो ब्रांड बन जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही आपकी खुद की लाइफ में कीमत बढ़ सकती है, प्रोफेशनली पर्सनली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है जब आप बनोगे एक ब्रांड। और ये तब हो सकता है जब आप ये स्किल इम्बाइब करोगे जिसको हम कहते हैं सेलिंग। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी सेल जर्नी तुरंत ही या जल्द ही शुरू करोगे, या यदि शुरू है तो उसको और शार्पन करोगे। यदि आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय दोस्तों।